अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा पेंगोलिन, 3 तस्कर गिरफ्तार, 40 लाख कीमत। नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वासी सेक्टर 17 के सिटी बैंक इलाके से दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन बरामद किया है। इसके साथ ही 3 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसीपी सतीश गोवेकर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बोलचाल की भाषा में सल्लू सांप कहे जाने वाले इस पेंगोलिन की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए है, जिसे तस्कर बेचने की फिराक में लगे थे। एसीपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि वे पेंगोलिन किसे बेचने आए थे। वासी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर संजीव धुमाल, इनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, तो उसके उन्होंने वासी पुलिस स्टेशन के डीबी के ऑफिसर सचिन खोंदरे, क्राइम पीआई दौंडकर साहब और उनकी टीम ने 15 तारीख को ट्रैप लगाया था। पार्टी 2-2.5 बजे तक ट्रैप लगा कि मारुति इको गार्ड गाड़ी में से जो 3 आरोपी आए थे उनके पास से मिला था, उसके वजह से ट्रैप लगा कि इनको अरेस्ट कर दिया है और ये जमा कर दिया पुलिस की। ये औषधीसाठी वापरता त्याचा, पण याची इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये 40 लाख रुपये किंमत आहे असं सांगण्यात येतं। ते आता त्यांच्या हेतूबद्दल आपला तपास चालू आहे, आता कशासाठी आणलं, कुठल्या उद्देशाने आणलं, काय त्यांचा हेतू काय। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।